गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उनकी स्थिति, उनके वो प्रकृति, ठीक है। उसमें हमने अलग अलग स्थिति पढ़ी थी। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु शीशे पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसमें एक स्थिति बाकी रह गई थी लास्ट वीडियो में कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखो ये यूनिक है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। बाकी जितनी भी स्थिति हमने पढ़ी है, जब वस्तु अनंत पे थी या शीशे परे थी या फिर सी पे थी या मुख्य फोकस पे थी, सभी में जो प्रतिबिंब बना था वो उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को अगर हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इससे पहले जितनी भी स्थिति थी सभी में प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना था, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब अगर हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, यहाँ पे हमने ये वस्तु को रख दिया है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यहाँ मैंने बताया था प्रकाश की कोई किरण जो समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यहाँ से समानांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इससे टकरा कर मुख्य फोकस से जाती है, पहले मैं बता चुका हूँ। अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे किसी कोण से टकराती है, कोई किसी कोण से टकराई तो वह उतने ही कोण से वापिस मुड़ जाती है, ये मुड़ी। तो देखो एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, ये इस साइड कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब इस साइड कहीं भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन पीछे बढ़ा देंगे इनको तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काटेगी, यहाँ पे इस बिंदु पे उन्होंने काट दिया तो यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मैंने इसको डॉट से क्यों दिखाया, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये आभासी प्रतिबिंब है। अब देखो ये दर्पण के पीछे बना हुआ है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। अगर वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो दर्पण तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा। बाकी सब में जो बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है भाई, इतनी सी बात। अब इसके बाद अवतल दर्पण के आएंगे उपयोग। उपयोग करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। देखो उत्तल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसके पीछे ये पेंट कर दिया गया है, तो ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस इस साइड होगा, आगे की तरफ, और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किरणें वास्तव में काटती है एक दूसरे के साथ, तो ये मुख्य फोकस होता है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आभासी होता है, इसमें समांतर किरणें ऐसे चल जाएंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती, इनको सिर्फ अज्यूम किया जाता है कि ये पीछे बनाने पर एक दूसरे को काटती है। तो इनका मुख्य फोकस यहाँ बनेगा और यह वास्तविक मुख्य फोकस नहीं है, यह आभासी फोकस है। उसके बाद जो ये अवतल दर्पण है, ये किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है, एक बिंदु पे, देखो सारी किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित कर दिया, तो हम इसको कह सकते हैं अभिसारी या कन्वर्जिंग, जो कन्वर्ज करा एक पॉइंट पे। और ये देखो इसी किरण आई और ऊपर चली गई, तो ये तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग मतलब अपसारी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें भी किरणें एक बिंदु पे मिल रही है, और हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि ध्रुव और जहां पे समानांतर आती हुई किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां होगा मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। ऐसा ही इसमें मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होगी फोकस दूरी। लेकिन अब सोचो, मान लो तुम्हारे पास एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में क्या होगा,
समतल दर्पण में क्या किरणें किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं, समतल दर्पण में कहीं भी किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ना तो वो डाइवर्जिंग है, ना तो वो अभिसारी है, ना ही अपसारी है। तो उसमें फोकस दूरी कितनी होगी, उसका फोकस कहाँ पे होगा? देखो उसका फोकस हम अनंत पे मानेंगे, मतलब इनफाइनाइट होगा, उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होगी, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम। जब जैसे इसमें और इसमें हमें पता है फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की है, ऐसा ही इसमें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी है, इनमें तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा नहीं होगा, इसलिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको इनफाइनाइट माना जाता है। इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित है या अनंत कह सकते हो तुम, ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है? तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में या सर्च लाइट में करते हैं। टॉर्च तो देखियोगे, टॉर्च में जैसे ये टॉर्च है, यहाँ पे आगे यहाँ बीच में बल्ब लगा होता है ऐसे, तो ये जो ये वाला हिस्सा है पीछे, ये अवतल दर्पण होता है। ये किस लिए? क्यों? ये अवतल दर्पण के फोकस पे बल्ब लगा रहता है, बिल्कुल फोकस पे। इसे क्या होगा, जैसे किरणें निकलेंगी इसे टकरा के सीधी जाएंगी, इसे निकलेगी टकरा के सीधी जाएगी, ताकि एक किरणों का एक किरण पुंज प्राप्त किया जा सके जो सीधा आ जाए। तो अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में या सर्च लाइट में, सर्च लाइट मतलब जो खोजने के लिए प्रयोग करते हैं लाइट का, उसमें करते हैं। दूसरा, अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग में या मेकअप के लिए भी करते हैं, मेकअप के लिए। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की एक स्थिति ऐसी भी है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा और आभासी दिखाई देता है। तो अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा और आभासी दिखाई देगा। तो उसी स्थिति का प्रयोग हम करते हैं इसमें शेविंग करने के लिए और मेकअप के लिए, ताकि चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई दे। मान लो ये जो आंखों के पलके वगैरह जो निकालने होती है मेकअप में, तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चेहरा उसमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन उस स्थिति में ये होगा कि हमें वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना पड़ेगा, तभी वो बड़ा दिखाई देता है। शेविंग के लिए भी वैसे ही, जैसे हम जाते हैं अपनी शेविंग करवाने के लिए, तो हमें दर्पण के काफ़ी नज़दीक, मतलब उसकी फोकस दूरी के अंदर ही अपने चेहरे को रखना पड़ेगा, ताकि चेहरा या उसमें जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखाई दे। क्योंकि एक स्थिति ऐसी है जिसमें सीधा दिखाई देता है, बाकी में तो उल्टा ही दिखाई देता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट भी करते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए वो एक छोटी सी छड़ी होती है उनके पास, उसके आगे अवतल दर्पण लगा होता है, वो मुंह के अंदर डाल के उसको देखते हैं, उसमें क्या होएगा, उसमें दांत बड़ा दिखाई देगा, जिससे उसकी बीमारी को अच्छे से समझा जा सकता है, या उसमें जो भी अंदर प्रॉब्लम है वो अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे डिश एंटीना देखा होगा, डिश देखी होगी ना घरों पे लगी होती है डिश, वो ऐसे होती है, वो भी इस तरह से। ये डिश ऐसी क्यों बनाई जाती है, और इसके बीच में एक ऐसा लगा होता है बीच में, ये ऐसे, ये जो होता है ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाला है, मतलब जो तरंगे आएंगी दूरदर्शन की तरंगे आएंगी उनको डिटेक्ट करने वाला है, और इसको इस दर्पण के बिल्कुल फोकस पे रखा जाता है। जैसे इधर से किरणें आएंगी तो सीधी इधर जाएंगी, इधर से आएंगी तो इधर सीधी इसके पास जाएंगी, ताकि हमें एक अच्छा चित्र प्राप्त हो सके, ठीक है। इसलिए जो हम डिश वगैरह लगाते हैं उसमें भी एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पांचवा, इसका प्रयोग जो डॉक्टर होते हैं वो अपने हेड मिरर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। हेड मिरर कौन सा, ऑपरेशन करते समय कई बार डॉक्टर या माथे पे एक दर्पण बांध लेते हैं, उससे क्या होएगा, उससे जो अंदर के अंग होंगे वो स्पष्ट दिखाई देंगे। कैसे? क्योंकि सामने कोई लैंप लगा होता है तो उस लैंप की जो किरणें हैं उस दर्पण से टकराएंगी, और तुम्हें पता है अवतल दर्पण कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी है, वो किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। तो जैसे डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है, उधर से किरणें आई माथे पे
जो दर्पण लगा हुआ वो अवतल दर्पणों से टकराएंगे तो वो एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएंगी और हमें अंदर के अंग अच्छे से दिखाई देंगे। इसके अलावा सोलर फर्नेंस का मतलब है जो सूर्य की गर्मी को लेकर पानी वगैरह को गर्म करने के लिए ऊपर जो सोलर भट्टी कह सकते हो तुम, सोलर फर्नेंस में भी एक अवतल दर्पण का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है उसमें भी जैसे डिश में किया जाता है ताकि सूर्य की ज्यादा से ज्यादा किरणें उससे टकराए और एक बिंदु पे केंद्रित हो जाए और उस बिंदु पे अधिक से अधिक तापमान प्राप्त किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये तो जितना भी हमने पढ़ा था ये सब था अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण समझो कंप्लीट हो चुका है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और अवतल दर्पण के उपयोग हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमें पता है, उत्तल दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, मतलब इस साइड वाला भाग इसका परावर्तक होगा तो अंदर किस तरह से ये अंदर से पेंट होगा तो ये इसका परावर्तक है। इस साइड वाला भाग ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, इसका फोकस इस साइड होगा। और मैंने बताया उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता, वास्तविक फोकस नहीं होता, ये इसका वक्र का केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। ठीक है, अब इसमें दो ही स्थिति पढ़नी होती है, जैसे अवतल दर्पण में तो बहुत सारी स्थिति हमने पढ़ी थी लेकिन उत्तल दर्पण में हम सिर्फ दो स्थिति पढ़ते हैं। एक, वस्तु जब अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है उस समय क्या होगा। दूसरी, वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी है, ध्रुव मतलब पी, ये पी ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी है, कहीं पर, बस ये दो स्थिति पढ़ने गई। ठीक है, तो पहली स्थिति, वस्तु अगर अनंत पर है, देखो अगर वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली सारी किरणें समानांतर ही दिखाई देगी, समानांतर, तो ये आई टकरा कर ये इधर जाएगी, ये टकरा कर उधर जाएगी, ये चलेगी, ये एक दूसरे को इस साइड कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, लेकिन इनको पीछे बनाने पर इस तरह से तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हुई दिखाई देगी। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी वो मुख्य फोकस है, पहले पढ़ चुके हैं, और समानांतर आने वाली किरणें अनंत से आती है तो वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी मुख्य फोकस पे ही बनता है। एक बात याद रखना, ये जो मैंने किरणें दिखाई हैं इस तरह से, ये किरणें उस वस्तु की है जिसकी आकृति गोल होती है जैसे सूर्य, इस तरह से जो वस्तु रखी हुई है अनंत पे उससे ऐसे आएंगे। मान लो कोई वस्तु ऐसी है जो हम पढ़ते आए हैं जिसके ऊपर एक तीर का निशान लगा होता है, जैसे वस्तु ऐसी है, ये वस्तु रखी हुई है कोई अनंत पे, तो इस वस्तु से आने वाली किरणें वो ऐसे नहीं दिखाएंगे हम उसको, दिखाने वो ऐसे आएंगे, मान लो ये इधर है तो इससे आने वाली किरणें ऐसे आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे दिखाएंगे हम, तो ये टकराकर ये ऐसे गई या ये टकराकर इस साइड जाएगी, ये ऐसे गई, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसको पीछे बढ़ाओगे और इसको पीछे बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये ऐसे काटेंगे, होगा ये मुख्य फोकस पे ही। अनंत से आने वाली किरणें, मतलब बनाने में थोड़ी गड़बड़ है लेकिन अनंत से आने वाली किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो मुख्य फोकस पे ही प्रतिच्छेद करती है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वस्तु गोल है तो एक पॉइंट साइज में ऐसे मुख्य फोकस पे दिखाई देगी, लेकिन अगर वस्तु गोल नहीं है वो ऐसी है और अनंत पे है तो उस वस्तु का कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा इसके ऊपर, इतना छोटा बनेगा मुख्य फोकस पे ही, लेकिन बनेगा ऐसे छोटा बनेगा और उसकी आने वाली किरणें ऐसे दिखाई जाएंगी तिरछी, वो वैसे नहीं दिखाई जाएंगी जैसे मैंने पहले बताया। तो ये तो होगी एक स्थिति, अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है
और वस्तु अगर गोल है या वस्तु ऐसी है जिसका एक कोई तीर का निशान लगा है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है वो वाली। अब है दूसरी स्थिति, अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हुई है, ये उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस है इसका और ये वक्र का केंद्र। अब कहीं भी वस्तु रखी हुई है, मान लो ये वस्तु रखी हुई है, इससे आने वाली समानांतर किरण तो टकरा कर भाई ये जाएगी, ठीक। और मैंने बताया था इससे आने वाली कोई किरण अगर किसी कोण से ध्रुव पे टकराती है तो वो कि उतने ही कोण से मुड़ जाएगी। तो ये आई, ये गई लेकिन पीछे बढ़ा दिया, ये फोकस में से जाएगी तो ठीक है, ये फोकस यहाँ होगा, फिर समानांतर आने वाले तो फोकस से ही जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओ तो प्रति ये एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा, ठीक है, और सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। ये हो गए इसके गुण, किसके गुण, एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, ये बात याद रखना। अब है इसके उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, रियर व्यू मिरर। रियर मतलब गाड़ियों में जब बैठते हैं जहाँ पे, वहाँ ऊपर एक शीशा लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए, या साइड में एक दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए, वह दोनों ही कैसे हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा ही छोटा और सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उत्तल दर्पण एक वाइड एरिया, एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को छोटा करके दिखा देगा, इसलिए इसमें एक बड़ा क्षेत्रफल इसमें दिखाई देता है। तो गाड़ी चलाते समय पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें ज़्यादातर जो भी गाड़ियाँ चल रही है वो उसको दिखाई देती हैं, क्यों, क्योंकि छोटे दर्पण में पीछे का बड़ा क्षेत्रफल दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा देखो, उत्तल दर्पण एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को छोटा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्रफल को छोटा करके कैसे दिखाता है, देखो ये एक उत्तल दर्पण है, इससे इस साइड जो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और तुम यहां खड़े हो, यहां तुम्हारी आंखें तो टकरा कर ये ऐसे आ जाएगी, इधर से कोई प्रकाश की किरण आई तो टकरा कर ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारी आंखें हैं। तो तुम्हें इतने बड़े क्षेत्रफल का, देखो इतना बड़ा एरिया तुम्हें दिखाई दे जाएगा यहाँ, लेकिन अगर मान लो इसकी जगह तुम्हारे पास समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जो ये सिरा है इससे आगे का क्षेत्रफल तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे अगर इधर इसकी सिर में कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो इससे किरण ऐसे आएगी, ये तुम्हारी आंखें यहाँ पे ऐसे ही इसमें यहाँ से आई और यहाँ पे, यहाँ तुम्हारी आंख है तो तुम्हें यहाँ रखी हुई वस्तु या फिर यहाँ रखी हुई वस्तु दिखाई दे सकती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। लेकिन देखो इसमें दर्पण इतना है और वस्तु यहाँ भी रखी हुई है वो भी तुम्हें दिखाई दे रही है, दर्पण यहाँ तक है और वस्तु यहाँ रखी है वो भी तुम्हें दिखाई दे रही है, इसलिए उत्तल दर्पण एक बड़े क्षेत्रफल को छोटा करके दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कई बार दुकानों में भी करते हैं,
दुकानों में स्थिति है, दुकानों में कई कोने पे एक उत्तल दर्पण लगा देंगे, उससे क्या होगा, पूरी दुकान का एक क्षेत्रफल या सारा सामान, सभी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी, कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो सब उसके अंदर दिखाई देता है। तो भाई ये तो था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उनके उपयोग। फिलहाल के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।